सोशल मीडिया ट्रेनिंग के पार्ट थ्री में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पिछले दो सेशन का सारांश देना चाहूंगा। मतलब पहले हम ये तो जान लें कि हमने क्या क्या सीखा है। होता है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो जैसे कि हमने आपको पिछले सेशन में ये बताया कि सोशल मीडिया का पावर क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है आज के डिजिटल युग में आपका सोशल मीडिया पे होना। हमने आपको ये भी बताया कि सोशल मीडिया के दो प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है आपका फेसबुक और दूसरा है आपका इंस्टाग्राम। तो उसके बाद हमने ये बताया आपको कि किस तरीके से आप अपना फेसबुक का अकाउंट साथ ही साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम ये थी कि सर उनका पहले से ही अकाउंट बना हुआ था लेकिन उनको पासवर्ड याद नहीं था। तो हमने आपको ये भी सिखाया कि फॉरगॉट पासवर्ड किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि आपको पोस्ट कैसे करना है, किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पोस्ट किस तरीके से करना है और स्टोरी किस तरीके से लगानी है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता चलूं कि जो हमारा पोस्ट होता है सर और हमारा जो स्टोरी होता है, इसमें एक डिफरेंस होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका समझना। स्टोरी में अगर आप कोई पोस्ट लगाते हैं तो आपका वो 24 घंटे के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा। लेकिन पोस्ट में ऐसा नहीं होता। पोस्ट में होता यह है कि आप जब तक उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, हमने आपको ये भी बताया कि किसी भी कंटेंट को, जैसे कि आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल का जो कंटेंट होता है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाता है अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के साथ। तो अब तक हम ये सारी जानकारी जान चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने ये जानकारी को मिस कर दी थी, ये इन्फॉर्मेशन आपसे किसी भी कारणवश अगर मिस हो गई थी, तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, सोशल मीडिया पार्ट वन और सोशल मीडिया पार्ट टू, आपको वो दोनों सेशन को अच्छे से देख लेना है ताकि आज के सेशन पे आप अच्छे से लिंक कर पाए। तो चलिए आज का जो सेशन है उस पे आते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे फॉलोअर्स और फ्रेंड को बनाना है हमको हमारे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। अब आपके सर में लाइक आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर फॉलोअर्स और फ्रेंड्स क्यों बनाने चाहिए, क्यों जरूरी है सर? तो मैं आपको ना एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका सबका आंसर मुझे यस या फिर नो जो भी रहेगा वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एकदम एक्टिव रहे, जो भी मैं बोलूँ वो सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। आप मुझे बताइए, मान के चलिए आप किसी सेमिनार पे जाते हैं, ठीक है, आप स्टेज पे खड़े हो गए एज अ स्पीकर, ओके, आप अकेले हो उस सेमिनार में, सामने ऑडियंस कोई है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, आप बताइए क्या वो सेमिनार कहलाएगा? प्लीज यस और नो, है ना? आप एक बार आप नडल भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अपना लाइक सर हिला के बता रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं सर, नो सर, चलिए ग्रेट। तो इसी प्रकार ये भी होता है, जैसे कि अगर आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट शेयर करते हो सर, कोई भी पोस्ट अगर आप शेयर करते हैं तो एटलीस्ट वहां पे कोई तो होना चाहिए सामने पे जो उस पोस्ट पे, उस पर्टिकुलर पोस्ट पे रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट करे, है ना? तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है फॉलोअर्स और फ्रेंड। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? अब इसकी शुरुआत होती है सर आपके अपने परिवार से, आपके फ्रेंड सर्कल से। आपको क्या करना है, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग आते हैं उनको आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है? उनको आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है आपके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होते हैं। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आपके मोबाइल में जो भी नंबर सेव होते हैं, है ना, मेरे मोबाइल में भी है, आपके मोबाइल में भी ऑब्वियसली होगा, बहुत सारे लोगों के नंबर होंगे, वो सेव होंगे किसी ना किसी नाम से। तो आपको क्या करना है, वो नामों को निकालना है और उनको सोशल मीडिया पर सर्च करके उनको रिक्वेस्ट भेजना।
ये आपका दूसरा काम हो गया। अब तीसरे काम की बात करें, आपको अपने टीम मेंबर्स को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। अब आप बोलेंगे सर टीम जो हमारे टीम के मेंबर्स है उनका नंबर तो हमारे पास है, वो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट है ना, बहुत ऐसे भी आप कनेक्ट होगे नॉर्मली। लेकिन आप एक चीज समझिए, आप डिजिटली भी कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, फेसबुक के थ्रू भी आपको कनेक्शन बनाना है, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आपको कनेक्शन बनाना है, इसीलिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, यहाँ पे जो संजय जी है, संजय सिंह जी, वो मेरे टीम पे है, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा, तो संजय सर आप देखेंगे कि अभिमन्यु सर का मुझे रिक्वेस्ट आया है, तो सबसे पहले उनके माइंड में ये आएगा कि अभिमन्यु सर ने अकाउंट बना लिया है, मतलब उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बना लिया है, या फिर वो एक्टिव रहने लगे, इसीलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है। तो फिर वो क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा फ्रेंड एंड फॉलोअर्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होगी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते। अब होता यह है कि कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे जान पहचान वाले होते हैं जो किसी बिजनेस में होते हैं, मतलब कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे होते हैं, या फिर कोई ना कोई नौकरी से जुड़े होते हैं, जैसे कि कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, कोई पुलिस में है, ऐसे बहुत सारे हमारे पहचान वाले होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उनको भी रिक्वेस्ट भेजना है, उनको भी आपको रिक्वेस्ट भेजना है। अगले स्टेप की अगर बात करें, अगला स्टेप है आपका सामाजिक ग्रुप। सामाजिक ग्रुप मतलब सोशल ग्रुप्स, आपके बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं ना, जैसे आपके किसी डिस्ट्रिक्ट का हो गया, आपके जिस गांव में रहते हैं आप उसका हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं और अदर टाइप के ग्रुप्स रहते हैं। अब आप वहां पे ध्यान देंगे तो वहां पे आपकी तरह ही बहुत सारे लोग भी जुड़े होते हैं। सही है, गलत है? सही है, हाँ जी। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, ऑब्वियसली उनका नाम भी लिखा होगा वहां पे, तो आपको क्या करना है, उन नामों को आपको कहीं पे लिख लेना है, डायरी पे लिख लेना है, उसके बाद उनको रिक्वेस्ट भेजना है आपके फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे। जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजोगे तब वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद वहां से आपका एक कनेक्शन बनेगा वहां पे, डिजिटल कनेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पड़ोसियों को, है ना, आपके नेबर्स को और सोसाइटी के लोगों को आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो नहीं जानते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हो सकता है कि वो नहीं जानते हो कि आपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया है, या फिर आप एक्टिव रहने लगे, तो ये दोनों चीज अलग अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर हमारा अकाउंट तो बना हुआ है, जी सर मैं भी एग्री करता हूँ कि आपका अकाउंट बना है, लेकिन आपको एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तो आप एक्टिव नहीं रहोगे तो वो उस अकाउंट का कोई फायदा नहीं, करेक्ट? चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया, और ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स बढ़ाने का, क्योंकि तो वही हमारा बेस है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सोशल मीडिया से लाभ लेने के चरण, मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, है ना, हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं सर सोशल मीडिया का, हम लाभ कैसे ले सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, है ना, मैं पहले ही इसको बता चुका हूं कि फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स आपका क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए। दूसरी चीज है आपका बातचीत, यानी आपका कन्वर्सेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कन्वर्सेशन ये याद रखिएगा कि कोई आपको मैसेज कर रहा है, आप उसको मैसेज कर रहे हो, मतलब रिप्लाई दे रहे हो, तो सिर्फ वो कन्वर्सेशन नहीं होता है ना, आप कोई पोस्ट शेयर कर रहे हो, कोई भी पोस्ट होगा, तो याद रखिएगा आप कोई भी पोस्ट करोगे ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगा, कोई ना कोई अपडेट होगा, कोई ना कोई मैसेज होगा, कोई प्यारा सा हो सकता है, मोटिवेशनल कोट हो, कुछ भी चीज हो सकता है। मतलब आप अगर कोई पोस्ट करते हो और सामने वाला उसको देखता है या फिर उसमें रिएक्ट करता है, मतलब बातचीत स्टार्ट हो गई है। आप ऐसा मत सोचिए कोई अगर आपको मैसेज करेगा तभी बातचीत होती है, नहीं सर, अगर आप पोस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन ने उसको देखा
तो भी वो बात उस तक पहुंच गई, मतलब वो बातचीत स्टार्ट हो गई सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या होगा, वो पोस्ट को देख के क्या करेगा, उस पे लाइक करेगा या फिर कमेंट करेगा, तो ये भी एक बातचीत है, ये भी आपकी कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और तीसरा है, आप नॉर्मली जिस तरीके से आप बात करते हो, आपका जो बात करना होता है, मतलब आप उनको मैसेज किए, वो आपको मैसेज किए, उस तरीके का, तो आप उनसे संपर्क करिए, इतना होने के बाद आप उनसे संपर्क करिए और उनको अभियान प्रचार की प्रस्तुति देना है आपको, जिस तरीके से आप अपने फील्ड में, जिस तरीके से आप आरसीएम अभियान प्रचार को जो प्रस्तुति देते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है डिजिटली। बस फर्क इतना होगा, वहां पे आप फिजिकली करते थे, यहाँ पे डिजिटली करते करेंगे, इतना ही फर्क है बस। तो अगर आप ये स्टेप को फॉलो करते हैं, देखिए ये बेसिक सा स्टेप लग रहा है आपको, सर ये तो छोटी सी चीज है ना, छोटी सी बात है, लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है ये, अगर ये नहीं हुआ है ना, ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा सर, ऐसा आप मान के चलिए। चलिए इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, है ना, अभी तक आपने जो भी सुना है वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कई बार क्या होता है ना सर, बहुत सारे लोग देखते हैं, मान के चलिए उन्होंने कोई पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद उनके लाइक्स, लाइक्स होता है ना जो हम सब दिखाते हैं, लाइक्स होता है, और जो कमेंट्स होता है वो क्या होता है कि उनकी संख्या, जो नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर इतना कम कैसे हो गया, किसी और की पोस्ट से आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो गलत है सर, उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। आपको किसी भी तरीके का उस नंबर को देख के कि सर मुझे तो 10 लाइक आए हैं, 100 लाइक बस आए हैं, ऐसा करके, तो इस तरीके का आपको कोई नंबर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, है जी, आपका जो भी पोस्ट रहेगा वो आकर्षित होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब सामने वाला अगर उसको सुने तो एक बार उसको लगे कि एक बार जानना चाहिए। चलिए हम आरसीएम के लोग जितने भी है ना सर, एग्जाम्पल से अच्छा समझते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप मान के चलिए, अब कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड के बारे में सोचिए सर, कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड के बारे में, आप अगर वहां पे एक पोस्ट बनाते हो और वहां पे डालते हो, तो जब भी सामने वाला देखेगा कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड, 6 महीने के बाद उसको ये फायदा हो सकता है, तो वो पक्का रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स उसके बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, किसी का भी रिएक्ट करने का, जैसे कि डबल धमाल ऑफर, ये जो चीजें है ना सर, ये सामने वाला सुन के एकदम एक शॉक हो जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो खुद आकर्षित होगा। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि इस तरीके का अगर आकर्षित पोस्ट होगा तो आपको पोस्ट करना है उसमें, ताकि आपके रिस्पॉन्सेस अच्छे आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज, जो आप हमेशा करते हैं अपने फिजिकल एक्टिविटीज जो आपकी होती है सर, आप फील्ड पे करते हैं, लोगों से जुड़ना है सर, आपको लोगों से जुड़ना है, बातचीत करना है, जैसे कि कोई हमारे पोस्ट में कमेंट कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है ना, तो आप अपने तरफ से उनसे बातचीत शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आप, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, अभियान प्रचार के बारे में, आरसीएम के बारे में किस तरीके से बताना है, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई, उसको ध्यान में रखिए, और इसी तरीके से आपको डिजिटल मीडिया, सॉरी सोशल मीडिया का आपको उपयोग करना है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, हाँ जी, अब आ गई मतलब की बात, कंसिस्टेंसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल भी आ गई है ना। चलिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आपको पता है, कोई भी चीज को आप अगर एक दिन करते हो और 10 दिन की छुट्टी ले लेते हो, तो फिर गया सर, तो फिर वो आपको हासिल नहीं होगा, करेक्ट। हम आरपीएम में क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, यानी अगर आप डेली बेसिस में अगर पोस्ट डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस में ही उसको पोस्ट करना है, अपलोड करना है, आपको ऐसा नहीं करना कि आज आपने पोस्ट कर दिया फिर उसके बाद सर नेक्स्ट मंथ डालूंगा,
नो, ऐसा नहीं करना है, वो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। अब इसके एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद अब ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के चक्कर में आप कोई समय ही नहीं है आपका, आप दिन भर सोशल मीडिया पे लगे, नो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक टाइम टेबल सेट करना है, समय निर्धारित करना है कि सोशल मीडिया का कब उपयोग करेंगे आप। जैसे कि आप, हो सकता है कि अगर आप, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा मत करना कि अभिमन्यु सर ने बोला है तो चलो इतने ही बजे करते हैं, है ना। आप मान के चलिए शाम को आप 7:30 वगैरह को घर आते हैं, है ना, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर 8 से लेके 8:30 या फिर 8 से लेके 9 बजे तक, जितना भी है ना, मतलब आधे घंटे से 45 मिनट, इस तरीके से आप अपना एक टाइम सेट कर लें और उसी के दौरान आप अपना सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम को। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल मीडिया को आपको एक एडिशनल टूल की तरह समझना है, बस, है ना, आपको एक एडिशनल टूल की तरह समझना है, मतलब ये एक्स्ट्रा एक चीज है जो मुझे लाभ देगी बाद में। ऐसा नहीं है सर कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना फील्ड में वर्क करना ही भूल गए, है जी, फील्ड पे ही नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, इस तरीके से आपको नहीं करना है, उसको एडिशनल टूल की तरह आपको लेना है, उसी तरीके से ही ट्रीट करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट है, आप उस पर एक्टिव है, उससे भी ज्यादा जरूरी ये चीजें है, क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसका लाभ ले पा रहे हैं या नहीं। तो ये जो चीजें है सर, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जरूर आपको बेहतर लाभ उसमें मिलेगा, बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, और बहुत ही अच्छा आप सोशल मीडिया के जरिए अपने एक डिजिटल प्रेजेंस, जैसे हमारे पिछले सेशन में भी आपको बताया गया था कि पावरफुल अकाउंट कैसे बना सकते हैं आप, तो वो भी आपका बन पाएगा। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियों को आपने अच्छे से ग्रहण किया है, अच्छे से नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा।